लेकिन देखिए आगे बढ़ते हुए, पड़ोसी देशों से भारत आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए गुड न्यूज है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 188 हिंदू शरणार्थियों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता दी है। वहीं वो संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे? हम मुख दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, कुछ जगह पे हिंसक घटनाएं भी हुई, जो हुआ हुआ। अंततोगत्वाद 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से भारत माता की संतान के नाते इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास भी दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया, तब मोदी जी ने इस देश की जनता को कहा था कि इस देश का लोकतंत्र परिवारवाद से पीड़ित है, जातिवाद से पीड़ित है, तुष्टिकरण से पीड़ित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। ये चारों नासूरों को नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किया। परिवारवाद के खिलाफ 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की, अपील की है, कैसे 1,00,000 युवा राजनीति में जुड़े जिनके परिवार में से कोई राजनीति में नहीं, कोई राजनीति, ये अपील की है। और परिवारवादी पार्टियों को घोर पराजय भी देश की जनता ने घोर पराजय दिखाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग किया, जातिवाद के खिलाफ भी किया। उन्होंने जातिवाद के नासूर को समाप्त करने के लिए 4 जातियां घोषित की, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियों में ही पूरा देश बटा हुआ है और ये 4 जातियों को ही एक नए प्रकार की राजनीतिक फिलसफी उन्होंने देश के सामने रखी और उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति को भी तिलांजलि दे दी। इस देश के कई मसले ऐसे अटके पड़े थे, राम मंदिर का मसला अटका था 550 साल से, आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम पूरा है। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से बन गया। मोहम्मद बेगड़ा ने तोड़ा हुआ हमारा पावागढ़ के शक्तिपीठ का भी पुनरुद्धार। इस देश में ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मित थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया। और करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाइयों को जो अन्याय करने वाला, उनका अधिकार से वंचित रखने वाला कानून का संशोधन अटका था, वो CAA का संशोधन भी नरेंद्र मोदी जी ने लाकर देश के अंदर एक न्याय का वादा। मैं अंत में फिर से एक बार देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं, NDA अलायंस से कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे मत डरना। मैं देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, आप एप्लीकेशन कर दो, आपको न्याय मिलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं। और ये तो उदाहरण है, 188 परिवार, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, नागरिक भी बन गए, उनके बच्चे MLA भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, IAS। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ न्याय कर रहे हो। आप में तो हिम्मत नहीं थी वोट बैंक के कारण,
कानून लाने की मोदी जी लाए हैं, कम से कम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने का हम करने के लिए हमारा समर्थन करें। ABP News आपको रखे आगे।